हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम होल्डर में क्या सही तरीका है वायर को कसने के लिए, जिससे हमारा स्पार्क भी इसमें डेवलप ना हो और अच्छी तरह से ये कनेक्शन हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगा एक होल्डर का और एक टेस्टर बोल सकते हैं या फिर पेचकस बोल सकते हैं, और एक वायर जिससे आप इस वायर में कनेक्ट करने वाले हैं। तो पहले हम जो वायर रहेगा उसको हम अच्छी तरह से एक ओर से छील लेंगे, और छीलने के बाद इस वायर को आप अगर थोड़ा सरेस कागज़ से छीलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। इसे हम इस तरह से नहीं कसेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये हम इस तरह से नहीं कसेंगे, क्योंकि बता देते हैं क्यों। क्योंकि जब हम इसको ऐसे कसते हैं तो इसमें से स्पार्क डेवलप होने और फिर खींचने पर आ जाने की संभावना, देखिए निकल गया। इसे हम अच्छी तरह से ऐसे कस सकते हैं, इसको वायर को इस कोभर वायर पर ऐसे चढ़ा देंगे ऐसे, और फिर इसको अच्छी तरह से इसमें लगा देंगे। देखिए लग गया, ये ज़्यादा बाहर नहीं निकला होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बाहर नहीं निकला होना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, ये टाइट हो गया, अब ये नहीं निकलेगा। कितनों ज़ोर से खींच लीजिए, अब ये नहीं निकलेगा। वैसे ही दूसरों को करेंगे, ये है छिला हुआ वायर, इसे हम सही कस देंगे। देखिए ज़्यादा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, और इसे हम ऐसे टाइट कर देंगे, अब ये टाइट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।